व्रत के वास्ते सुनो, एक और वाकया। व्रत के वास्ते सुनो एक और वाकया, के माँ के दिल की मामता होती है चीज क्या। के दिल की मामता होती है चीज क्या। हिस्सा नहीं ये गुजरी हुई वारदात है, प्यारे नबी के एक सहाबी की बात है। रौनक फजा थे मस्जिद नबवी में मुस्तफा, सल्ले अला के आप से मस्जिद थी पुरज़िया। बैठे हुए थे पास में असहाबे बावफा, सरशार उनको करता था जलवा रसूल का। सरकार दर्स देते थे वहदत का सभी को, अबू बकर उमर हजरत उस्मान अली को। वक्त नमाज हो गया तो फिर पढ़ी नमाज, के इक्तिदा हुजूर की बा इफ्तिखार ओ नाज। बाद नमाज आपने फरमाया उमर से, अंसार एक नमाज को आते नहीं घर से। कुछ बात है जरूर कई रोज हो गए, बीमार हैं या दीन के जज्बात सो गए। घर जाओ आज उनके ये मालूम तो करो, क्या बात है क्यों आते नहीं वो नमाज को। ऐ मोमिनो इस्लाम का दस्तूर है नमाज, ऐ मोमिनो इस्लाम का दस्तूर है नमाज, ऐ मोमिनो इस्लाम का दस्तूर है नमाज। बंदों के लिए जिंदगी का नूर है नमाज, हजरत उमर ने सुन के ये फरमान मुस्तफा। तामील हुक्म के लिए उस घर का रुख किया, अंसार के घर जाके पलट आए जल्द तर। दी मस्जिद नबवी में ये सरकार को खबर,
अंसार है बीमार, उठा भी नहीं जाता। कमजोर है इतने के हिला भी नहीं जाता। छह रोज से अंसार की हालत खराब है, के जाकनी के दौर का उन पर अजाब है। दम अटका है गले में, मुसीबत में जान है। छह रोज से जरा नहीं खुलती जुबान है। ओशो हवास गुम हुए पथरा गई नजर, घर वाले परेशान हैं ये हाल देख कर। हज और जिहाद रोजा भी छोड़ा नहीं कभी, देते रहे ज़कात अदा की नमाज भी। कुरान पढ़ा है किया कारे सवाब है, कुरान पढ़ा है किया कारे सवाब है, कुरान पढ़ा है किया कारे सवाब है। अल्लाह जाने किस लिए उन पर अजाब है, अल्लाह जाने किस लिए उन पर अजाब है, अल्लाह जाने किस लिए उन पर अजाब है। हजरत उमर फारूक उन सहाबी रसूल के घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो बीमार हैं। आप हुजूर को खबर देते हैं कि हुजूर वो 6 दिन से सख्त बीमार हैं और जाकनी का आलम है, दम अटका हुआ है लेकिन दम निकलता नहीं है, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में हज भी किया है, जिहाद भी की, ज़कात भी दी, नमाज भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन फिर उन पर ये किस लिए अजाब है। समाप्त कीजिएगा आगे का वाकया। ये हाल सुन के रंजो अलम आपको हुआ, फरमाने लगे सबसे ये सरकार मुस्तफा। अंसार के घर आओ अयादत को सब चले, कुछ बात है जरूर चलो चल के देख लें। सरकार चले जिस घड़ी मस्जिद से निकल कर, तो रहमतें भी साथ हुई उनके मचल कर। जिस राह से गुजरे मेरे सरकार मुस्तफा, उस राह की फजा को मुनव्वर बना दिया। मेरे हुजूर पाक की ये शान देखिए, गुजरे जिधर से आप वो रस्ते महक उठे। यूं साथ थे सहाबा रिसालत तुम आपके, जैसे सितारे पास में होते हैं चांद के। करते हुए खिराम शहनशाह अंबिया, अंसार के दरवाजे पे पहुंचे तो दी सदा। इस घर में दाखले का हमें इज्न चाहिए, हम आ रहे हैं देखने अंसार के लिए। सरकार दो आलम की ये सीरत तो देखिए, सरकार दो आलम की ये सीरत तो देखिए, सरकार दो आलम की ये सीरत तो देखिए। बेइज्न नहीं जाते हैं घर आप किसी के, बेइज्न नहीं जाते हैं घर आप किसी के, बेइज्न नहीं जाते हैं घर आप किसी के। Thank you.
आका अपने उस सहाबी के घर जाते हैं और कहते हैं कि अगर इनकी वालदा हो तो उनको बुलवाइए। आगे क्या होता है सुने। सरकार ने अंसार को देखा तो ये कहा, वो इनकी वालदा तो उन्हें जल्द लो बुला। मालूम ये हुआ कि महल्ले से दूर हैं, बेटे बहू से वो अलग रहती हुजूर हैं। बुलवाएंगे जो आप तो आ जाएंगी यहाँ। ये सुन के एक आदमी फौरन हुआ रवा। कुछ देर में ज़ईफा ने आकर ये अर्ज की, मेरे लिए क्या हुक्म है अल्लाह के नबी। सरकार ने फरमाया के अम्मा जरा सुनो, अंसार अपने बेटे को तुम दिल से बख्श दो। है जाकनी का वक्त, इनका हाल है खराब, कर दोगी तुम माफ तो हट जाएगा अजाब। बोली ज़ईफ़ा मुस्तफा से हो के चश्मनम, मजबूर हूँ इस बात से ऐ मेरे मोहतरम। मैं हुक्म नहीं आपका टालूंगी या नबी, लेकिन मेरा दिल इसको न बख्शेगा अब कभी। कह दूंगी मैं सुबान से जो आप कहेंगे, लेकिन हमारे जख्म जिगर ताजा रहेंगे। लेकिन हमारे जख्म जिगर ताजा रहेंगे। लेकिन हमारे जख्म जिगर ताजा रहेंगे। कहती है कि हुजूर अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो जख्म इसने मुझे दिए हैं वो कभी नहीं भर सकते। उसके बाद सुने क्या होता है। मैंने तो बड़ी मन्नतों से परवरिश किया, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे जख्म दिल दिया। वो तुम्हारा और बीवी से भी पिटवाया बरमला, मुझको जलील ख्वार किया, घर नहीं दिया। मैंने कहा कि खाने और पीने को तुम न दो, लेकिन मुझे मकान से बाहर न तुम करो। लेकिन हुजूर बेटे ने रहने नहीं दिया, तब मैंने किराए पे मकान दूर ले लिया। मैं मेहनत तो मजदूरी से करती सारा, बेवा हूँ मेरा और नहीं कोई सहारा। सरकार ने फरमाया सहाबा से के जाओ, मिल जाए कहीं सूखी हुई लकड़ियां लाओ। जब आई लकड़ियां तो उन्हें आग लगा दी, शोले हुए बुलंद तो हजरत ने सदा दी। अंसार को बिस्तर से उठा कर यहाँ लाओ, इस आग के शोलों में उन्हें लाके जलाओ। जब आग की जानिब उन्हें लोगों ने बढ़ाया, तो दौड़ के बुढ़िया ने उन्हें रोका और कहा, सरकार मेरे लाल को बिल्कुल न जलाओ, मैं सब मुआफ करती हूँ बेटे की खताएं। मैं सब मुआफ करती हूँ बेटे की खताएं। मैं सब मुआफ करती हूँ बेटे की खताएं।
आका ने फरमाया कि जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आओ। और उसके बाद जब उन लकड़ियों में आग लगाई गई, कहा कि अंसार को इन लकड़ियों के अंदर जो आग दहक रही है उसमें डाल दो। लेकिन माँ की ममता देखिए, माँ ये सुनकर कहती है कि सरकार मेरे लाल को बिल्कुल न जलाएं, मैं सब माफ़ करती हूँ बेटे की खताएं। लेकिन उसके बाद सरकार ने जब ये सुना तो क्या होता है, उन सहाबी रसूल का दम एकदम निकल जाता है। कैसे? इतना कहा ज़ईफ़ा ने तो दम निकल गया, सरकार ने फिर उनका जनाजा पढ़ा दिया। फिर सबने मदीने में उन्हें दफन कर दिया। सरकार मुस्तफा ने ये सबको बता दिया, दुनिया में माँ से बढ़ के नहीं कोई मेहरुबा। माँ जैसी मामूता नहीं इंसान के दरमिया। माँ बाप को सताएगा वो कुछ ना पाएगा, रोजा नमाज ने किया सारी गवाएगा। माँ बाप जिससे राजी है फूलेगा फलेगा, माँ को सताने वाला जहन्नुम में जलेगा। सब मर्दुजन अल्लाह के अहकाम पर चलें, माँ बाप बुजुर्गों का अदब सब किया करें। ऐ शौक इतना काफी है इबरत के वास्ते, तबलीग है माँ बाप की खिदमत के बाद।